स्वागत है आप सभी का अपने चैनल प्राकृतिक ज्ञान में। दोस्तों मैं आज एक ऐसे प्लांट के बारे में पूरी विस्तार से डिटेल में आपसे शेयर करूंगा कि वो प्लांट की केयर हम कैसे करें, उसकी ग्रो कैसे करें, कटिंग से हम प्रोपोगेट उस प्लांट को कैसे करें। तो जितने भी और वीडियो शुरू करने से पहले ये प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये है मैं जेट प्लांट, आज इसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने एक छोटे से गमले में लगाया है और ये मेरा 4 साल पुराना है। जब मैंने इसे बाय किया था तो ये काफ़ी छोटा प्लांट था और मैंने जब इसे लगा रहा था तो उसके लिए मैंने इसमें सैंडी सोइल का इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा मैंने राख मिलाया था, वुड ऐश मिलाया था, जो जला हुआ लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उसमें बचा हुआ जो राख रहता है उसमें मैंने थोड़ा लिया था और थोड़ा सा मैं रिवर सैंड का भी इस्तेमाल किया था और थोड़ा सा किचन वेस्ट खाद उसका मैंने इस्तेमाल किया था और गार्डन सोइल का मिश्रण तैयार करके मैंने इसे इस छोटे से गमले में लगा दिया था। और मैं इसे हमेशा सीमी शेड में रखता हूँ, ये देखिए, और कुछ इस तरह से ये पेड़ का शेप में मैंने इसे रखा है और ये गर्मी में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। और चूँकि अभी रेनी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, इस दरमियान भी ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है। तो दोस्तों काफ़ी व्यूअर लोग की शिकायत रहती है कि मेरे पत्ते सूख रहे हैं और पत्ते झड़ के गिर रहे हैं, तो इसका भी एक कारण होता है क्योंकि जब भी हम इस प्लांट में ओवर वाटरिंग करते हैं और ज़्यादा नमी युक्त स्थान पर रखते हैं तो उससे क्या होता है कि इसके पत्ते ड्राई होके वो गिरने लगते हैं। और काफ़ी घंटे अगर हम इसे धूप में रखेंगे तो उससे क्या होंगे, इसके पत्ती में गूदा जैसा पानी भरा हुआ रहता है जो कि वो सूखने लगता है, जिससे पत्तियां जो हैं मुरझाने लगती है, ड्राई होने लगती है, इस वजह से भी पत्तियां गिरने लगती है। और अगर इसमें हम सन की जो रिक्वायरमेंट ये प्लांट मांगता है अगर वो हम ना दें, ज़्यादा ही सेमी शेड में रख दिए जिसमें सूर्य की रोशनी इस पौधे तक नहीं पहुंच पाती, तो वैसे में भी ये अपनी लीफ गिराने लगती है। खाद की बात करें तो इसे रासायनिक खाद बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसमें थोड़ा साल में एक या दो बार इसमें आप कोई भी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या काउडंग दे सकते हैं, पर यह प्लांट ऐसा है कि एक बार आप अगर इसमें खाद डाल दिए तो सालों साल ये मांगता नहीं है। मैंने तो जब इसे रिपोर्ट किया था उसी वक्त इसमें खाद डाला था और उसके बाद मैंने कोई खाद नहीं डाला है। हाँ, कभी कभी मैं इसमें सूखी पत्तियों को रेस करके इसके ऊपर डाल देता हूँ, मिट्टी में मिला देता हूँ। और देखिए किस तरह से ये प्लांट मेरा दिख रहा है। और दोस्तों एक बात और है, दोस्तों जब भी हम इसे गमले में लगाएं तो थोड़ा सा सैंडी सोइल का इस्तेमाल करें और पौधों की ग्रोथ गर्मी के सीज़न में और बरसात के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस वक्त हमें पौधों की साइज़ को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम पौधों की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने देंगे और हमारा गमला तो छोटा है, इसके लिए पौधों के विकास के लिए जो हवा पानी खाद चाहिए उसकी कमी के वजह से ये प्लांट ख़राब होने लगता है, सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है, पत्ते झड़ने लगते हैं। तो जितने साइज़ की आपकी पॉट है उस हिसाब से इसकी ग्रोथ होने दीजिएगा और बाकी को आप कटिंग कर दीजिएगा, बेकार का ज़्यादा बुशी ना बनाए,
क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्लांट को बड़ा शेप देंगे और गमले की साइज़ छोटी है तो इस वजह से भी प्लांट खराब और बेढंगा सा दिखाई देगा। और प्रोपोगेशन की बात करें तो इसे कटिंग के माध्यम से काफ़ी इजीली लगाया जा सकता है। आप इसकी प्रोपोगेशन रेनी सीजन में भी कर सकते हैं और मई जून मई में भी कर सकते हैं। मैंने तो ये रहा, मैंने इसे लॉकडाउन के दरमियान लगाया था और ये एक महीना में ही ग्रो कर गया था, ये देखिए। और मेरा 4 साल पुराना है और इतना छोटा सा दिख रहा है। इसका एक ख़ास कारण ये भी है कि मैं हमेशा इसे मेंटेन करते रहता हूँ। व्यर्थ की जो डालियाँ रहती है उसे मैं ये अभी रेनी सीजन में कट कर दूँगा और जिससे मेरे प्लांट छोटे लेकिन सुंदर लुक में ही हमेशा दिखाई देते हैं। और शाइनिंग की बात करें तो ये सीमी शेड में इसे रखिएगा, इससे प्लांट ग्रोथ काफ़ी अच्छा करता है। और प्रोपोगेशन के लिए आप इसकी थोड़ी सी पुरानी डाली जो रहती है उसे कट कर दीजिए और नीचे से कुछ पत्तियां को तोड़ दीजिए और उंगली की साइज़ ज़मीन से नीचे आप उसे दबा दें तो वो एक महीना में ही ग्रोथ पकड़ लेता है। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं।